नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल, आम आदमी पार्टी द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष प्रदीप खंडेलवाल ने मांग की है कि भारत सरकार ने सभी सरकार शराब बनाने वाली कंपनियों, शराब परिवहन, शराब विक्रेताओं को लाइसेंस देना लेना अनिवार्य किया गया है, जिसमें निर्माताओं द्वारा लाइसेंस लेकर अपने उत्पादों पर अंकित भी किया गया। लेकिन भोपाल शहर भर के शराब विक्रेताओं के द्वारा कोई लाइसेंस का नहीं लिया गया, जिससे शासन की राजस्व को हानि पहुंच रही है। साथ ही शराब की क्वालिटी के सैंपल भी लिए जा रहे हैं, जिससे शराब की क्वालिटी नकली शराब पीने योग्य है। यह अंतर नहीं कर पाना आम लोगों के लिए संभव नहीं हो पा रहा है। वहीं उन्होंने कहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय लिया गया था कि 1 अप्रैल 2017 के हाईवे पर शराब की दुकानें नहीं होंगी, लेकिन 11 मील पर शराब की दुकान और अमीर ग्रीन द्वारा हाईवे पर बार चलाया जा रहा है। न्यायालय के आदेशों का अपमान करने वाले अधिकारियों पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रदीप खंडेलवाल, जिला उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी भोपाल। क्या मामला है, क्यों आयोजन कर रहे हैं? देखिए, अभी मुरैना जिले में शराब पीने से लगभग जो है 24-25 मौतें हुई हैं और निरंतर इस तरीके की जहरीली शराबें और अवैध शराब और उसके बाद आपका नकली शराब लगातार बिक रही है प्रदेश में, जिसके चलते हुए हमने आज ज्ञापन सौंपा है। इसका मुख्य कारण ये था कि जो शराब हैं उसके सारे FASSI का जो नियम है उसमें हर निर्माता को, हर परिवहनकर्ता को और हर विक्रेता को लाइसेंस लेना अनिवार्य है, जिसमें शराब निर्माताओं ने लाइसेंस ले लिए हैं, उनके हर बॉटल पे आपको उसका FASSI का वो मिल जाएगा मार्का। लेकिन यहाँ जितने भी भोपाल के विक्रेता हैं उनके पास एक के पास भी जो है शराब बेचने का लाइसेंस नहीं है, उसके बाद भी ये बिक रहा है। और दूसरा, इसका सैंपलिंग नहीं हो पाती है। और मुख्य कारण एक ये भी था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय था, 1 अप्रैल 2017 के बाद कोई भी शराब की दुकानें जो हैं हाईवे पर नहीं होंगी। भोपाल क्षेत्र में 2 दुकानें हमने चिन्हित की हैं, एक मिसरोद 11 मील पर है जो हाईवे से लगी हुई है और दूसरी दुकान अमीर ग्रीन, जैसे बार का लाइसेंस दिया गया है, तो हमने उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।